बस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्णिया में 15 किलोमीटर दूर परोरा के पास खुल रहा है बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के चीफ जनरल मैनेजर इंदीप भाटिया ने कहा कि इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके अलावा फिश, कैटल और मुर्गी दाना बनेगा। इस फैक्ट्री में 2.5 मेगावाट बिजली का भी प्रतिदिन उत्पादन होगा। चीफ मैनेजर भाटिया ने कहा कि एथेनॉल निर्माण में मक्का और टूटा हुआ चावल का उपयोग होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 160 टन मक्का और चावल का खपत होगा। इससे इस इलाके में किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बनाए गए एथेनॉल को सरकार की तेल कंपनियां OICL, भारत पेट्रोलियम समेत अन्य तेल कंपनियां खरीदेगी। वहीं फैक्ट्री के टेक्निकल हेड रोशन लाल ने कहा कि यह फैक्ट्री पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस फैक्ट्री से इलाके के लाखों किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा। साथ ही बर्बाद हो चुके मक्के और चावल भी यहाँ खरीदे जाएंगे। उन्होंने एथेनॉल बनाने के प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे IG सुरेश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री यहां फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा किसी तरह का भाषण का प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था होगा। वहीं DM राहुल कुमार ने कहा कि 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इससे इस इलाके में लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल सरकार के इस पहल से जहां सीमांचल के मक्का किसानों में खुशहाली आएगी, वहीं बड़े पैमाने पर स्थानीय कामगारों को रोजगार भी मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था हम लोग पर्याप्त है। हम लोगों ने अपने रेंज से पर्याप्त बनकर नियुक्ति की है और मुख्यालय से भी 400 के आसपास बल हम लोगों ने मांगा है। बल की कमी नहीं है, हम लोगों ने पूरा एडजस्ट कर दिया। अभी आप सब निरीक्षण भी किए? हाँ, सारी तैयारी हो रही है और तैयारी होनी बाकी है। अभी लास्ट टच हो नहीं पाया है, लेकिन संभवतः कल तक ठीक हो जाएगा। क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम में उद्घाटन है, कार्यक्रम है और यही कार्यक्रम में कोई विशेष भाषण की अभी तक कोई जनता को रिप्रेजेंट करने के बाद जो है अभी भाषा में कोई प्रोग्राम है नहीं। सर, इस फैक्ट्री के लग जाने से कितना फायदा होगा इस इलाके के? बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि आसपास लोगों को रोजगार होगा। सबसे बड़ी बात पढ़ो देखिए, ये हमारा 65। ये पूर्णिया के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि बिहार का सबसे पहले ग्रेन आधारित जो एथेनॉल प्लांट है उसकी स्थापना हुई है और इसका उद्घाटन 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होने वाला है। यह प्लांट पूर्णतः ग्रेन पर आधारित है, जिसमें जो मानव उपयोग हेतु चावल या मक्का मानव उपयोग हेतु नहीं है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इस प्लांट का क्षमता जो है लगभग 65,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता है और ये प्लांट के आने से क्षेत्र में चारों तरफ विकास होगा और लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा और किसान भाइयों को अपना उपज का बेहतर दाम भी उनको मिल सकेगा। एथेनॉल के अलावे और क्या बाय प्रोडक्ट? एथेनॉल के अलावे और क्या बाय प्रोडक्ट है? एथेनॉल के अलावा जो इसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है, DDGS बोलते हैं इसको, जो कि पशु आहार में मिलाया जाता है। जो प्रोटीन होता है, जो मक्का से या चावल से जो प्रोटीन बचेगा निकलेगा, उसको DDGS बोलते हैं हम लोग। तो वो भी बनेगा साथ के साथ और वो पशु आहार के लिए मार्केट में विक्रय किया जाएगा। इस इलाके को जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होता है, जो कैजुअल लेबर्स होता है, उनको रोजगार का यहाँ उनको मिलेगा। इसमें लगभग डायरेक्ट लेबर जो रहेगा 100 के आसपास रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स लगभग 50 के साथ रहेगा। क्या लग रहा है कि मक्का के लिए किसान है क्योंकि मक्का हब के रूप में? जी, तो किसानों को अच्छा कीमत मिल रहा है? किसानों को जो MSP होता है उसके ऊपर ही जाके कहीं रेट मिलेगा किसानों को। किसान इस फैक्ट्री का नाम ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड है। क्या पूछिए? मेरा नाम रोशन लाल है, मैं ग्लोबल केन शुगर कंपनी से हूँ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।